नमस्कार मित्रों, कैसी हो आप? मैं तो आप लोगों को पढ़ाती पढ़ाती बहुत खुश हूँ, इसीलिए मुझे अच्छी तरह से विश्वास है कि आप भी खुश होगी। और साथ साथ मुझे उम्मीद है कि मैंने कल जो 5वीं कविता पढ़ाई उसका जो होमवर्क दिया 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का प्रश्न आंसर के साथ अपने स्वाध्याय की बुक में लिखना, वो भी आपने अच्छी तरह से होमवर्क किया होगा। और साथ साथ मैंने जब कविता पढ़ाई वो भी अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ी होगी। और मैंने कल छठा जो पाठ है घर, उसकी स्टोरी मैंने होमवर्क के रूप में पढ़ने के लिए दी थी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़कर यहाँ पर आए होंगे। और आज मैं पाठ है वो पढ़कर नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन उसके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनकी चर्चा करके मैं पढ़ाऊंगी, तो भी मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। और साथ साथ बीच बीच में जो कठिन शब्द आएंगे उसकी भी मैं चर्चा करूंगी, ताकि पर्यायवाची शब्द और कठिन शब्द सरलता से समझ में आ सके। तो चलो रेडी हो जाओ, अपनी टेक्स्ट बुक खुली रख करो, साथ साथ नोट्स और पेन तो रोज खुला ही रखना, ताकि कठिन शब्द है, महत्वपूर्ण मुद्दे है और बीच बीच में जो मैं कुछ कहूँ उसकी नोंद करना चाहिए। चलो कक्षा 12 विषय हिंदी, गद्य 6 घर, जिनका साहित्य प्रकार है निबंध, जिनका रचयिता भोला भाई पटेल है, उनका जन्म सन 1934 ईस्वी सन और निधन सन 2012 में हुआ। और उनका जन्म मेहसाणा जो गुजरात राज्य में है, उस मेहसाणा के पास सोझा नामक गांव है उसमें हुआ था। एक दृष्टि से देखिए तो वही गुजराती भाषा के साहित्यकार है, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी भाषा में भी बहुत से अधिक विधाओं का सृजन किया है, जिसके कारण हिंदी साहित्य में भी उसको बहुत प्रसिद्धि मिली। उतना ही नहीं, उन्होंने विधाओं की रचना तो की है, लेकिन साथ साथ उनकी भाषा भी इतनी सरल, सुबोध, गम्य, आकर्षक एवं उत्कृष्ट है, जिनके कारण पाठक वर्ग को भी पढ़ने के लिए आकर्षित करती है। और पढ़ाई के बारे में हम देखें तो उन्होंने बनारस में संस्कृत और हिंदी दो विषयों का अध्ययन करके BA की उपाधि प्राप्त की। बाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में उन्होंने हिंदी प्रोफेसर के रूप में सेवा भी प्रदान की। उनकी रचना गुजराती साहित्य की तरह हिंदी भाषा में भी इतनी उत्कृष्ट है, जिनके कारण हिंदी साहित्य में तो उन्होंने प्रसिद्धता मिली है, लेकिन साथ साथ भारत सरकार ने उसको पद्मश्री से सम्मानित किया है। उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना के बारे में देखिए तो अधुना, विदिशा, कांचनजंघा, अज्ञेय एक अध्ययन उनकी प्रसिद्ध रचना है, जो मैंने श्याम फलक पर लिखी हुई है। और साथ साथ हम सबसे पहले इस पाठ पढ़ाने से पहले मैं सबसे थोड़ा उसके जो सार है वो बताती हूँ कि यहाँ पर घर, घर मात्र 4 दीवालों वाला या छप्पर वाला घर नहीं है, लेकिन उसमें किसी की भावना यहाँ पर जुड़ी हुई है। दो वृद्ध दंपति है जो लेखक के माता पिता है, उन्होंने अपनी स्वयं मेहनत से बैलगाड़ी में उसके गांव है उसकी जो आंबा नामक तालाब है उसमें से चिकनी माटी बैलगाड़ी में भरकर यहाँ पर अपने हाथ से, मेहनत से, परिश्रम से ही उन्होंने बनाया है, इसीलिए उसमें उसकी भावना जुड़ी हुई है। इसीलिए घर मात्र 4 दीवार या छप्पर वाला घर नहीं है। इसीलिए जब उस समय पर उसको जब बेचने का समय आता है, क्योंकि वो लोग शहर में स्थायी हो गए हैं, इसके कारण यहाँ पर घर रखना कोई ठीक नहीं ऐसा लगता है। साथ साथ उसके जो पास पड़ोस के लोग हैं वो सब शहर में चले गए थे घर बेचकर, और जो नए लोग ने जो घर खरीदा था वो भी उसके पास पड़ोस के लोग भी अच्छा नहीं था। इसीलिए लेखक ने सोचा कि यहाँ पर जो हमारा पुश्ते ही नहीं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आया हुआ जो पुराना घर है यहाँ पर रखना ठीक नहीं है, इसीलिए वो बेचने का निर्णय करता है। लेकिन बेचने से पहले सब लोग यहाँ पर घर पर से आता है। वो बाद की जो स्टोरी है कि उसके माँ को कितना दुख होता है, और बाद में उसके जो छोटे पुत्र है वो कहते हैं जो खरीदने वाला आता है उसको कि यहाँ पर जब तक मेरी माँ है तब तक हमें मकान जो बेचना है वो हम बेचेंगे नहीं, क्योंकि उसमें उसकी भावना जुड़ी है, केवल 4 दीवार या छप्पर वाला घर नहीं ऐसा समझकर वो मकान बेचने का जो विचार है वो समाप्त कर देते हैं। और फिर से उसके घर में जो आई उदासीनता है वो समाप्त हो जाती है और प्रसन्नता छा जाती है, ये उसका सार है। लेकिन फिर से दोबारा एक एक मुद्दे रखकर मैं आपको विस्तृत में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने जो श्याम फलक पर कठिन मुद्दे लिखा है उसके बारे में मैं कहूंगी, स्पष्टता करूंगी, ताकि आपको इस पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इस पाठ में पढ़कर पढ़ाने वाली नहीं हूँ, केवल महत्वपूर्ण जो मुद्दे है उसके आधार पर चर्चा करूंगी और बाद में मूल्यांकन करूंगी, कि ताकि आपको इस पाठ
निबंध है भोला भाई पटेल द्वारा रचित, वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम कठिन मुद्दे के बारे में चर्चा करें, श्याम फलक पर नजर रखिए और साथ साथ अपनी नोट्स और पेन हाथ में है उसमें भी नोंद कीजिए। तो कठिन शब्द है पहला, ये स्थाई, उसका मतलब होता है कायमी। पुश्ते नहीं मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आता हुआ, जो बाप दादा ने यहाँ पर जो बनाया हुआ है उस घर के बारे में यहाँ पर बताया है। सामाजिक मतलब समाज से चला आता हुआ, समाज का रिवाज। बेढंगा मतलब अटपटा। अनुमति मतलब इजाजत, परमिशन इंग्लिश में कहते हैं। व्यवहार कुशल मतलब व्यवहार में कुशल। अदृष्ट मतलब गायब। टीस मतलब पीड़ा, जो माँ को और अपने परिवार के सभी जनता को जब मकान बेचने की बात होती है तब दुख होता है। पीढ़ी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आता हुआ वंश। ढोर मतलब पशु। रंभाना मतलब जो पशु बोलते हैं उसकी जो आवाज होती है उसके रंभाना कहते हैं, गुजराती में कहा जाता है भांभरू। और नजाकत मतलब कोमलता, मासूमता। ये सब कठिन शब्द है, आप भी अपने नोट्स में नोट करें ताकि पर्यायवाची शब्द भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलो हम इस पाठ की मुद्दे के आधार पर शुरुआत करते हैं। तो पहला ही मुद्दा है लेखक और उनका पुश्तैनी घर। लेखक सबसे पहले तो वो गांव में ही रहते थे, लेकिन जब उसके शहर में किसी काम धंधा के लिए जाना पड़ता है तब उसका पुश्तैनी घर है, जो पुराना बाप दादा ने बनाया हुआ वो घर खाली रहते हैं। और बहुत अधिक समय हो जाता है शहर में, अच्छी तरह से वो काम धंधे में सेट हो जाता है, तब उस को पता चलता है कि उसके जो पास पड़ोस के लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पर से अपना जो गाँव का जो पुराना घर है वो बेच डाला है। और उसके जो पास पड़ोस के जो नए लोग आए हैं वो भी अच्छा नहीं है, इसीलिए वो अपना जो पुश्तैनी घर है जो पहले मुद्दे में ही बताया है यहाँ पर भोला भाई पटेल ने, वो बेचने का निर्णय करता है। क्योंकि अधिकांश उसी तरह मकान घर खाली रखने से जर्जरित और खंडहर की तरह बन जाता है, इसीलिए वो उसके पुश्तैनी घर के बारे में बेचने के बारे में निर्णय करता है। इसीलिए दूसरा पॉइंट है घर बेचने का निर्णय। तब उसका पुश्तैनी घर अपने जो भाई है उसके साथ विचार करके माँ को भी कहकर बेचने का निर्णय करता है कि यह घर अधिकांश समय जो बंद रहेंगे तो खंडहर जैसे हो जाएगा और उसका मूल्य भी नहीं आएगा अच्छा, और पास पड़ोस के लोग जो नहीं आए हैं वो भी अच्छा नहीं है, साथ साथ जो लोग अच्छे थे वो भी बेचकर शहर में चले गए, इसीलिए यहाँ इस घर है गांव का वो यहाँ पर रखना ठीक नहीं है, इसीलिए बेचने का लेखक निर्णय करता है। उहापो की स्थिति, तो सबसे पहले जब बेचने का निर्णय करता है तब सबसे पहले उहापो की स्थिति उसके सारे परिवार, क्योंकि यहाँ पर बहुत से अधिक पुरानी यादें यहाँ पर सभी परिवार के सदस्य की छिपी हुई है, लेकिन सबसे अधिक पुरानी याद तो उसकी माँ की है, बूढ़ी माँ की, उसके पिताजी तो है नहीं, इसीलिए सबसे अधिक उहापो चिंता पीड़ा टीस उसकी माँ को होती है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं मेहनत से बनाया है गांव का जो आंबा तालाब था, उस आंबा तालाब की जो चिकनी मिट्टी थी उसमें से उन्होंने उस पुराना घर बनाया है, और साथ साथ अपने स्वयं मेहनत से बैलगाड़ी में वो चिकनी माटी जो थी वो लाकर बनाई थी, इसीलिए उसमें उसकी भावनाएं छिपी है। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि घर केवल दीवार या चार छप्पर ही नहीं है, लेकिन छप्पर वालों या चार दीवार वाला घर नहीं है, लेकिन उसकी भावना से साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि माँ ने सबसे अधिक समय उसमें निकाला है। और चौथा पॉइंट है पुरानी यादें। तो सब उसके परिवार के जन की खास करके लेखक मन में सोचते हैं, क्योंकि वो बड़ा है, इसके लिए सारे घर की उसके पिताजी नहीं होने के कारण जिम्मेदारी उसके पर है, इसीलिए वो उनके मन में सब पुरानी यादें ताजी हो जाती है, क्योंकि उसके जो गांव के पुराने घर थे उसके आंगन में भाई बहन के साथ खेलना, मित्र के साथ खेलना, भाई बहन के साथ झगड़ा करना, मित्र के साथ झगड़ा करना, परिवार जनों के साथ खेलना, और बहुत से अधिक पैदल चलकर आगे आगे उसकी स्कूल थी गांव में बहुत दूर थी, तो वो स्कूल में जाना पैदल चलकर, और साथ साथ अपने बड़े परिवार थे दादा दादी माता पिता बहन भाई आदि के साथ बिताना, आंगन में बहन की शादी भैया की शादी दादा दादी की मौत उसकी अस्थि यहाँ पर से निकलना उसकी पिता की अस्थि निकलना, सब अच्छी बुरी यादें उसके मन में ताजे होती है। और साथ साथ खास करके मित्र के साथ झगड़ा और पड़ोस का झगड़ा देखना और करना, ये सब पुरानी यादें लेखक को ताजी होती है और उसका गला भर आता है, बहुत दुख होती है टीस होती है। अभी उन्होंने उसकी माँ तो माँ को तो इस बात कही ही नहीं है, और आगे है माँ की प्रसन्नता, आगे का पॉइंट है माँ की प्रसन्नता। जब माँ को कहते हैं लेखक, उन्होंने यह नहीं बताया कि हम गांव में इसीलिए जाते हैं कि जो मकान लेने वाले हैं यहाँ पर देखने के लिए आते हैं उसके पहले हम सारे परिवार एक बार इस गांव में जो घर है यहाँ पर रहे, क्योंकि पची बाद में तो हमारा यह घर रहेगा ही नहीं, इसीलिए वो जब माँ को कहता है कि माँ हम सारे परिवार थोड़े दिन के लिए गांव में रहने का हमारा जो पुश्तैनी घर है यहाँ रहने के लिए जाएंगे, तो माँ के दिल में तो बहुत खुश होती है, और लेखक वह प्रसन्नता
जब पिता की मृत्यु हो जाने के बाद माँ बहुत गुमसुम रहती है, अकेली अकेलापन का महसूस करती है, लेकिन आज प्रशंसा जब पिता थे तब उसके मन में जब प्रसन्नता लगती थी, ऐसी ही प्रसन्नता उसके चेहरे पर आज लेखक को दिखाई देता है। लेकिन लेखक ने यह बात नहीं की थी कि हम थोड़े दिन के लिए लेकिन जाना है यहाँ पर, बाद में यह घर हमारा रहने वाला नहीं है और साथ साथ घर घर ही है। लेखक के मन में भी ये विचार आता है और भोला भाई पटेल ने भी कहा है कि घर वास्तव में घर ही है। मैंने पहले ही बताया दो चार बार, क्योंकि यह पंक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हृदय स्पर्शी है इस पाठ के लिए, इस निबंध के लिए, कि घर वास्तव में चार दीवार ये छप्पर वाला घर नहीं है, उसमें सभी की भावनाएं जुड़ी हुई है। हमारा ही यहाँ पर उदाहरण दे कि हम एक घर छोड़कर दूसरे घर पर गांव में से या शहर में जाते हैं तो उसके प्रति हमारा जोग जैसा भी हो, जर्जरित हो, पुराना हो, फिर भी उस घर के प्रति हमारा बचपन जो बीता हुआ होता है उस घर के प्रति हमने अधिक लगाव होता है और हमें दुख भी होता है। मैं मेरा ही अनुभव कहूँ तो मैं सबसे पहले जब किराए के मकान में रहती थी और अब मैंने अपना घर बनवाया, लेकिन फिर भी जब मैं स्कूल से घर पर वापस लौटती थी तो मेरा पैर है, मेरी जो गाड़ी है वो किराए घर पर पहुंचकर स्टॉप हो जाती थी। उतना मुझे दुख होता था कि मैं एक दिन यहाँ पर रहती थी तो यहाँ पर उसका अपना अपने आप से बनाया हुआ घर है तो उसके दिल में तो दुख हो वह स्वाभाविक है। लेकिन माँ को प्रसन्नता होती है और लेखक मन में सोचते हैं कि वास्तव में तो जो माँ को जो दुख होता है वो सही है, हमें होता है तो माँ ने तो अपने आप से और सबसे अधिक समय यहाँ पर बिताया है तो उसके दिल में दुख हो वह तो स्वाभाविक है। इसीलिए लेखक सोचता है कि घर तो वास्तव में घर है। और आगे की पॉइंट, बेचने के पहले माँ को जब बात ही होती है तब सब यहाँ पर जाने के बारे में सोचते हैं और जाने का विचार करते हैं। लेखक अपने बाल बच्चों, अपनी पत्नी, भाई, उसके परिवार को भी यहाँ पर थोड़े दिन के लिए रहने के लिए कहते हैं और जाने का निर्णय करता है। और साथ साथ लेखक की आगे का मुद्दा है लेखक की व्यग्रता, जब बेचने के पहले जाने का निश्चय करता है और वो यहाँ पर जाता है और बाद में जब अपने घर खोलता है और सारी दीवार में घर में जो जो उनकी पुरानी यादें जो छपी हुई है याद आ जाती है, उसके व्यग्र हो जाता है और गला भी बंद हो जाता है, एक भी शब्द नहीं निकलता और अपने घर में से जो जो पुरानी यादें छिपी हुई है, जो जो बिताया है, मैंने पहले ही बताया भाई बहन के साथ झगड़ना, रमना, खेलना और पढ़ने के लिए पैदल चलकर जाना, दादा दादी की अस्थियाँ पर से निकलना, पिता की मृत्यु और साथ साथ माँ ने यहाँ पर अपने अधिक मेहनत से बनाया है जिसके कारण उसको बहुत दुख होती है और लेखक भी व्यग्र बन जाता है। और माँ का रोना, जब यहाँ पर जाते हैं तब जब माँ को यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर हम इसीलिए आया है कि थोड़े दिन का ही हम मेहमान है और हमारा मकान घर है वो थोड़े दिन के लिए ही है क्योंकि बाद में हम बेचने वाला है और बेचने वाले जो व्यक्ति है वो भी यहाँ पर खरीदने वाले जो व्यक्ति है वो भी यहाँ पर आने वाला है। तब माँ छाती फटकर रोने लगती है, उसको बहुत दुख होती है कि मैंने कितनी मेहनत से, कितना भाव से, वो मन में सोती है लेकिन अपने पुत्र को कहती नहीं है क्योंकि यहाँ पर रखने से ही क्या मतलब है। इसीलिए वो बहुत दुख हो वो उसके मन में होता है और रोने लगता है। और बाद में आगे का जो पॉइंट है मकान खरीदने वालों का आना, और बाद में थोड़े दिन के लिए यहाँ पर रहते हैं तब मकान खरीदने वाले जो व्यक्ति है, लोग हैं, यहाँ पर उसके घर देखने के लिए आता है, तब माँ बहुत दुखित होती है, उसके मन में टीस होती है, पीड़ा होती है लेकिन अपने पुत्र को बताती नहीं है, केवल आँख में से आंसू निकाल कर वो अपना दुख व्यक्त करती है। लेकिन उस समय पर उसके जो छोटे पुत्र है, छोटे भाई का जवाब देना, उस समय पर उसके छोटे बच्चे है, छोटे पुत्र है, उसको माँ का दुख देखा नहीं जा सकता। इसीलिए जब मकान खरीदने वाला आता है तब उसको कहता है कि थोड़े दिन के लिए जारी रखो, मैं उस मकान आपको ही दूंगा लेकिन जब तक मेरी माँ है तब तक हम इस मकान बेचने वाला नहीं है क्योंकि उसमें उसकी हमारी तो है लेकिन मेरी माँ की भी भावना उसमें जुड़ी हुई है, छिपी हुई है। इसीलिए अब हम इस जो विचार है मकान बेचने का वो जारी रखेंगे। तब सबकी छाती से पत्थर उतरा, ऐसी बात जब छोटे बच्चे मकान खरीदने वालों को कहते हैं तब उसके मन से जो पत्थर उतरा मतलब पत्थर जैसा जो भार था, दुख था, वो उतर जाता है, मन सबका हल्का हो जाता है कि हाँ अब इस मकान अभी समय इस समय बेचने वाला नहीं है। सबसे अधिक प्रसन्नता होती है उसकी माँ को। तो बस इतना ही इस पाठ के महत्वपूर्ण मुद्दे है, पाठ का सार है। तो मैंने महत्वपूर्ण मुद्दे भी बता दिए और शुरुआत में ही मैंने जो लेखक का परिचय, उसकी जन्म मृत्यु के बारे में, उनकी महत्वपूर्ण जो विधा है, उनके सरकार के द्वारा जो पद्मश्री का अवॉर्ड मिला उसके बारे में, साथ साथ उन्होंने
बीए किस विषय में किया, कहाँ किया, और साथ साथ उन्होंने आगे जो हिंदी विषय के प्रोफेसर के रूप में गुजरात यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने अध्यापक के रूप में सेवा दी, ये सब मैंने बताया लेखक परिचय में। वो प्रश्न मैंने कल ही बताया था, वो नोंद करना अपनी स्वाध्याय की बुक में या किताब में, पीछे पेंसिल से क ख की जोड़ मिलाने में, एक मार्क्स में और दो मार्क्स में भी कभी कभी पूछा जा सकता है, या रिक्त स्थान की पूर्ति में भी पूछा जा सकता है। इसीलिए अच्छी तरह से उसका परिचय भी याद रखना। जो मैंने कठिन शब्द बताए वो पर्यायवाची शब्द के रूप में महत्व है उसका, तो वो भी याद रखना। और मुद्दे के आधार पर ईट पाठ की जो स्टोरी अच्छी तरह से आप तैयार करें तो बड़े प्रश्न 5 मार्क्स से जो पूछे जाते हैं वो भी आपको उपयोग में आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस पाठ केवल मुद्दे के आधार पर ही समझ में आ गया होगा, इसीलिए पाठ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं मूल्यांकन के रूप में कल की तरह आज भी थोड़ा बहुविकल्प और एक मार्क से प्रश्न जवाब के साथ चर्चा करूंगी। तो पहला प्रश्न है बहुविकल्प के, लेखक अपना घर बेचने का विचार क्यों किया, नया पुश्तैनी शहर का या बड़ा। तो उन्होंने कैसा घर बेचने का विचार किया, यहाँ पर पहला ही बहुविकल्प है, तो उसका उत्तर आता है पुश्तैनी। दूसरा, बंद रहने का कारण पुराना घर कैसा होता जा रहा था, उसका जवाब मैं सीधा ही बता दूं क्योंकि तुम्हारे पास पाठ्य पुस्तक तो है ही, और मैं पीडीएफ फाइल में भी सेंड सी और डी ग्रुप में की है, इसीलिए 4 विकल्प बोलने की जरूरत नहीं है। तो उसका जवाब आता है ग, जर्जरित हो जाने के कारण। तीसरा प्रश्न है, लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए कहाँ से चिकनी मिट्टी लाते थे, तो उसके गाँव में जो आंबा तालाब थे उसमें से। लेखक की माँ क्यों रोने लगी, क घर बेचने के कारण उसकी माँ रोने लगी। चलो एक मार्क से जो प्रश्न है उसकी मैं चर्चा करूंगी। गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था, क्योंकि सब उसके परिवार के सदस्य काम धंधे के लिए शहर में स्थायी हो गए, इसके कारण। लेखक ने किसी की अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का क्यों किया, किसकी अनुमति ली सबसे पहले, सारे परिवार के सदस्य की थी लेकिन सबसे पहले जिसकी अधिकांश भावना छिपी हुई है सारे घर से, सबसे अधिक सदस्य की, उसकी बूढ़ी माँ की अनुमति ली। तीसरा, लेखक के पिता ने यह घर कैसे बनाया था, अपनी बैलगाड़ी में अपने गांव के जो आंबा तालाब है उसमें से चिकनी माटी अपने साथ लाकर। लेखक के सब भाइयों ने एक बार सब परिवार उस घर में साथ रहने को क्यों किया, क्योंकि बाद में यह घर बेचना था, इसीलिए शहर में स्थायी हो जाने के कारण। और पांचवा प्रश्न है, लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वालों को क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब तक मेरी माँ जीवित है तब तक इस मकान हम आपको बेचकर देना नहीं है, और जब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रहेंगी तब आपको ही दूंगी, लेकिन अब तक उसको बेचने का विचार हम यहाँ पर जारी रखते हैं। चलो होमवर्क में मैं देती हूँ 2 मार्क के और 5-6 मार्क के प्रश्न है। पहला, आप अपनी नोट्स और पेन में लिखिए हाथ में रखकर। एक, लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार क्यों किया। एक, लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार क्यों किया। दूसरा, लेखक का पुराना घर कैसे बनाया गया था। दूसरा, लेखक का पुराना घर कैसे बनाया गया था। तीसरा, लेखक को क्यों लगा कि माँ का हृदय अभी जीवंत है। तीसरा, लेखक को क्यों लगा कि माँ का हृदय अभी जीवंत है। चौथा, घर न बेचने के निर्णय के बाद लेखक को कैसा एहसास हुआ। घर न बेचने के निर्णय के बाद लेखक को कैसा एहसास हुआ। चलो 5-6 मार्क्स का प्रश्न। एक, लेखक के पुराने घर के साथ परिवार का क्या संबंध था। लेखक के पुराने घर के साथ परिवार का क्या संबंध था। दूसरा, घर बेचने से माँ को क्या दुख हो रहा था। दूसरा, घर बेचने से माँ को क्यों दुख हो रहा था। और एक निबंध भी मैं होमवर्क में देती हूँ, एक नहीं लेकिन 2, जो मैंने लेखन की बुक बनवाई है उसमें लिखना अपने आप से। पहला है, साला का मकान आत्मकथा लिखिए। साला का मकान आत्मकथा लिखिए।
दूसरा मेरा घर मेरा परिवार निबंध लिखिए, दूसरा मेरा घर मेरा परिवार निबंध लिखिए। दो निबंध अपनी जो लेखन की बुक है उसमें लिखना। आईएमपी है, आत्मकथा के बारे में आपको पता है कि उसमें आपको स्वयं ही यह वस्तु बन जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में साला का मकान है तो साला का मकान आप ही बन जाना चाहिए। अस्तु, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट पीरियड में मैं जो सातवीं कविता है, बादल को घिरते देखा है, उसका सार पढ़ कर आना, मैं पढ़ाऊँगी।